हेलो भाई, सब लोग क्या हाल है, कैसे हैं, सब खैरियत हैं। तो यार आज अपना वही वीडियो लेके आया हूँ अपना न्यू हेयर लोशन के बारे में। बहुत दिन हो गए थे कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चलो मुझको भी काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं डाली थी, और मुझको ये न्यू हेयर लोशन यूज़ करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट भी मुझे दिखाना था कि भाई क्या रिजल्ट आया, क्या बेनिफिट रहा मुझे। तो इसके बारे में ही आज का ये वीडियो होने वाला है, तो भाई पूरी वीडियो देखना। और बस आज के यही टॉपिक के क्या भाई, लोग काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज वगैरह आते हैं, पूछते हैं कि यार अजीम भाई बताओ क्या बेनिफिट रहा, क्या हुआ, कुछ फ़र्क लगा। तो बस आज का ये है यार, मैंने 1 महीना में इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो 1 महीने से मुझको जो है बस मुझको जो फ़र्क लगा, एक तो बाल नहीं टूट रहे बिल्कुल भी, ये तो बाद में शुरू से बताता रहा हूँ आपको कि बाल बिल्कुल नहीं टूट रहे। और रहा हेयर ग्रोथ यानी हेयर ग्रोथ का मामला, तो यार मेरा हेयर ग्रोथ जो है ना बहुत स्लो है। मुझे तो अभी कुछ खास बेनिफिट लगा नहीं कि मतलब मेरे बाल घने हो गए हों पहले से, यानी कि 19-20 का ही फर्क है, कुछ ज़्यादा मुझको फर्क नहीं लगा। बस इतना है कि 110% मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। अब ये देखो मेरे ये बाल है ना, तो ये यहाँ से जैसे कम कम हो रहे हैं, ये बाल यहाँ से कम कम हो रहे हैं, तो मतलब भरा भरा महसूस नहीं हो रहा कि हाँ बाल हुए हैं। हेयर ग्रोथ तो है लेकिन बहुत कम है, यानी कि बहुत स्लो है हेयर ग्रोथ। हालांकि मैं यूज भी सही कर रहा हूँ, वही तरीका जो जैसे सुनते आ रहे हैं सब, मैंने देखा भी यूट्यूब पर कैसे लगाते हैं, जिन लोगों के रिजल्ट अच्छे आए उनसे मैंने मतलब बात भी की और पूछा भी कैसे यूज कर रहे हैं, तो उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। यानी कि वही सर को यानी कि जॉनसन बेबी शैम्पू से पहले धोना, अच्छे से उसको साफ कर लेना हल्के हल्के, और फिर बालों को सुखा के वो डर्मा रोलर मारना, फिर वो लोशन लगाना, यानी कि ये लोशन लगाना, लोशन लगा के फिर डर्मा रोलर मारना अच्छे से, जैसे मैंने बताया है इस तरह से, और फिर इस तरह से वो जहाँ जहाँ अप्लाई करना है हमें, और फिर उसके बाद लोशन मारना। इस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ, 2 टाइम में इसको यूज़ करता हूँ, एक मॉर्निंग में या एक एक नाइट में, और एक जब मैं सो कर उठता हूँ वो उस टाइम अपना यूज़ करता हूँ। इस तरह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। डर्मा रोलर जो है वो यानी कि रोजाना यूज कर रहा हूँ, रोजाना एक टाइम, एक टाइम तो परमानेंटली करता हूँ, 2 टाइम भी कर लेता हूँ, लेकिन ये है कि 2 टाइम ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा समय चाहिए भाई उसको भी, ज्यादा करोगे तो मुश्किल शायद हो सकती है। डॉक्टर लोग तो मना करते हैं कि हफ्ते में 2-3 बार डर्मा रोलर करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के रिजल्ट आए हैं वो कहते हैं कि हम तो रोज कर रहे हैं। चलो यही सोच के मैं भी कर रहा था। तो यार रही रिजल्ट की बात, तो अक्सर मुझसे यही लोग पूछते हैं कि यार क्या रिजल्ट आया, क्या क्या रिजल्ट आया। तो देखो मेरा तो रिजल्ट ये है, और मैं पिक वगैरह शायद इसमें लगा दूंगा वीडियो में, देखो तो दिख रहा होगा शायद आपको मोबाइल में। तो ये है भाई, देखो इस तरह से मेरे खाली खाली सा हो रहा है ना सर, मतलब कम है बाल, बिल्कुल प्लेन नहीं है, कम है बहुत बाल। ये साइड है, जैसे साइड तो ये कमी थी, यहाँ पर बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक, बस रूआ सा दिखाई दे रहा है। चलो 30 दिन है, अब देखते हैं आगे को क्या फर्क लगता है। अभी देखो मेरे पास ये शीशे है, ये अभी शीशे, ये अभी देखो इतनी बाकी है, दिख रही है। तो अभी मैं इसको ऑर्डर करने वाला हूँ, 1-2 दिन में मैं 1 शीशे और ये वाली ऑर्डर करने वाला हूँ, तो 2 शीशे इस्तेमाल करके देखूँ, 2-2.5 महीने हो जाएंगे यूज करते हुए, तो फिर क्या बेनिफिट आता है। तो मैं तो यार सबसे ये कहूंगा, देखो बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेड इन थाईलैंड जो है, जहां पे ये लिखा हुआ है ना बैंकॉक, बैंकॉक लिखा हुआ, इसके नीचे मेड इन थाईलैंड लिखा हुआ है, ठीक है, वो और ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि मुझे एक भाई ने पिक भेजी थी तो मैंने उसको और इसको बिल्कुल मिला के, यानी कि सेम टू सेम है बिल्कुल एकदम। बस फर्क इतना है कि उस पे जो ना यहाँ पर इसके नीचे सिर्फ मेड इन थाईलैंड लिखा हुआ है, बाकी उसका सीरियल नंबर और ये जीएमपी से सर्टिफाइड, वो भी यही है जीएमसी सर्टिफाइड, और सारी चीजें मतलब सेम है उसकी भी, ये और वे दोनों सेम है। और हाँ बहुत से लोग मतलब बता रहे हैं हमारे खुश्की हो रही है यार, लेकिन मेरे तो खुश्की नहीं हुई। देखो सबका अलग अलग रिजल्ट होता है भाई, हर किसी का एक जैसा रिजल्ट नहीं होता, मेरे मतलब मेरा स्किन अलग है और लोगों की अलग है, तो सबका अलग अलग होता है, तो मेरे तो कुछ इस तरह का नहीं हुआ। हाँ हल्की फुल्की खारिश आती है, लेकिन डेंड्रफ वगैरह मेरे नहीं हुआ, भूसला भूसला सा सर हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के यानी कि खुश्की डेंड्रफ बहुत हो रहा है, तो देखो भाई अब कह नहीं सकते। तो मेरा रिजल्ट तो ये है कि भाई 19-20 का अभी तक रिजल्ट है, कोई ज्यादा फर्क मुझे लगा नहीं, और मैं भाई किसी को रिकमेंड भी नहीं कर रहा कि आप यूज करो, या भाई देखो अगर आपके बाल टूट रहे हैं ज्यादा तो आप मंगा सकते हो, यूज करके देख सकते हो, ठीक है, बाल आपके 100% 99% रुक ही जाएंगे, 100% नहीं कहता भाई, 1% नहीं भी हो सकता, लेकिन यह है कि 99% रुक जाएंगे बाल,
और हेयर ग्रोथ भी भाई किसी की हो रही है किसी की नहीं हो रही, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हो रही है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी नहीं हो रही। तो सबका अलग अलग जिस्म का अलग अलग यानी कि मामला होता है, किसी की जल्दी ग्रोथ हो जाती है किसी की देर से। तो देखो मैं भी अभी इसको छोड़ तो नहीं रहा हूँ, एक एक शीशी और ऑर्डर करूंगा और वो भी यूज करके देखूंगा। अब से 15 दिन के बाद फिर बताऊंगा आपको मेरे क्या रिजल्ट आया, क्या मतलब कुछ बेनिफिट लगा कि नहीं लगा। अभी तक तो यानी कि 19-20 समझ लो, इससे ज्यादा मुझको कोई बेनिफिट नहीं है ये ग्रोथ के मामले में। वैसे बाल बाल के मतलब है, बाल टूट टूट नहीं रहे हैं और हेयर ग्रोथ भी है लेकिन बहुत कम है। बहुत से लोग कहते हैं यार हमें तो महीने भर के अंदर, या बहुत बहुत लोगों के तुम्हारा फोन आया कि यार मैं तो एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ मुझे बहुत फर्क है। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मतलब एक हफ्ते में ही फर्क लगने लगा, वो कहना है कि अभी तो फर्क है मेरे तो हेयर ग्रोथ भी हो रही। मैंने कहा यार एक हफ्ते में हेयर ग्रोथ होने लगी, कमाल की बात है। तो यार ऐसे भी लोग हैं, अब पता नहीं भाई कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा। मैं तो देखो 1 महीने से यूज कर रहा हूँ, लेकिन देखो यानी कि अगर ऐसा मामला था तो सर बिल्कुल भर जाना चाहिए था, तो सर अभी भरा नहीं है, यानी कि खाली खाली बाल अभी ऐसे ही 19-20 का शायद फर्क हो सकता है। तो देखते हैं भाई, जो लोग यूज करना चाहते हैं यूज करें, और मैं किसी को रिकमेंड तो कर नहीं रहा कि भाई आप यूज करो लगाओ। हाँ भाई अब एक बार जब इतनी चीजें यूज करके देखी तो एक बार अप्लाई करके देख लो। बहुत लोगों का असल में इसको अप्लाई मतलब लेने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हमारे सामने मौजूद है जिन्होंने इसको इस्तेमाल करा और उनका रिजल्ट भी अच्छा आया। बहुत से लोगों के तो भाई गंजे थे उनके बाल आ गए, तो लोग इसको ज्यादातर इसीलिए यूज कर रहे हैं। बाकी तो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तेल हैं, हर कोई नहीं खरीदता इसको। लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि इंटरनेट पे बहुत, यूट्यूब पे और भाई टिकटॉक पे बहुत लोग बता रहे हैं कि हमें रिजल्ट अच्छा आया, हमारे बाल आ गए। तो एकदम से इसलिए इसकी जो है मार्केट बहुत बढ़ी है इन 2-3 महीनों में, अभी पीछे 1-2 महीनों में मार्केट बहुत बढ़ी है। यानी कि बिजनेस भी लोगों ने बिजनेस भी बना लिया, बहुत लोग बेच भी रहे हैं सेल कर रहे हैं। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता भाई, जिसे खरीदना है बता देता हूँ। बहुत लोगों के मेरे पास फोन आते हैं तो बता देता हूँ कि भाई आप लोग अमेजोन पे जाओ, वहां से ऑर्डर कर लो, अमेजोन पे से ये वाला ही खरीदो। मैंने देखा है जो मेड इन थाईलैंड है और ये बिल्कुल सेम है भाई, दोनों की शीशी बिल्कुल सेम है, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है। बस फर्क इतना है दोनों शीशियों में, ये लिखा हुआ है ना बैंकॉक, उसके नीचे मेड इन थाईलैंड और लिखा हुआ है, बस इतना बड़ा हुआ है। और उस पर यहाँ पे पेराडाइज लिखा हुआ है, यहाँ किसी जगह ऊपर पेराडाइज, बस इतना फर्क है। बाकी पूरी शीशी बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी यहाँ तक कि ये सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है ये तक सेम है, समझ रहे हो। तो भाई आप लोग यूज करो, मैं भी यूज कर रहा हूँ। और भाई देखो मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप यूज करो, ना ही मैं इसका जो है प्रमोशन कर रहा हूँ कि अच्छा है कैसा है। मैं खुद यूज अपने ऊपर कर रहा हूँ, जो रिजल्ट मुझे आ रहा है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग मतलब आप लोग पता चले कि भाई मैं किस तरह से यूज कर रहा हूँ और मुझे क्या बेनिफिट आ रहा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बस आज के लिए यार इतना ही था। आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप जो है अमेजोन से ले सकते हो, या अगर कोई असली दे रहा हो, आपको पहचान मैंने बताई दी, जो ये है मेड इन थाईलैंड वाला भी असली है, यानी कि सेम शीशी है भाई उसकी, समझ लो एक बात समझ लो, सेम शीशी है बिल्कुल यही वाली, सिर्फ उस पे यहाँ यहाँ किसी साइड मतलब पेराडाइज लिखा हुआ है और ये बैंकॉक जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये बैंकॉक, इसके नीचे मेड इन थाईलैंड और लिखा हुआ है बस, बाकी पूरी शीशी सेम यही है एकदम। तो वो भी ओरिजिनल है और ये भी ओरिजिनल है, क्यों ओरिजिनल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल दोनों शीशी सेम टू सेम है, बिल्कुल एकदम, यहाँ तक कि सीरियल नंबर भी सेम टू सेम है। तो मैंने मिला के देखी है इसलिए बता रहा हूँ आपसे। तो यार आप लोग यूज करके देख सकते हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ। और भाई अगर किसी का रिजल्ट आया है तो यार मुझे मैंने व्हाट्सअप नंबर में अपना इसमें दे दूंगा, तो यार अपनी पिक वगैरह मुझे सेंड करो और कमेंट्स में बताना कि भाई किस किस को, यार जो लोग जब से मैंने वीडियो बनाई है किसी ने तो खरीदा होगा, तो जो लोग मतलब यूज कर रहे हैं तो यार कमेंट में बताना जरूर कि यार क्या बेनिफिट रहा। देखो मैं मुझको तो कोई इतना खास बेनिफिट नहीं रहा, बस बाल मेरे रुके हुए हैं हेयर ग्रोथ के मामले में, बहुत 19-20 का फर्क है बस। आई होप मतलब आगे को देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, तो मुझे यार बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, ये बताना कि आपको जो है रिजल्ट कैसा आया, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको 1 महीना 20 दिन हो गए उनको क्या रिजल्ट है, कुछ फर्क है कि नहीं है। तो फिर ठीक है मैं रिप्लाई करके बताऊंगा, आप मुझे बताना जरूर। तो ठीक है यार, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो, और बस आज के लिए इतना ही। तो ठीक है यार, बस यही टॉपिक था छोटा सा, यही जानकारी देनी थी। और बालों का देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये बाल है यहाँ से खाली खाली से हो रहे हैं ना, ये पूरे भरे नहीं, साइडों में यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब कोई हेयर ग्रोथ नहीं हुई इन पर, बस हाँ रुआ है, बहुत बारीक सा रुआ है इसमें, तो दिखेगा नहीं, मैंने देखा है करीब से तो बहुत हल्का हल्का रुआ है, बहुत बारीक सा।
तो बस अब आगे को देखता हूँ, शायद कुछ फर्क लगे। अभी तो एक शीशी ये भी खत्म होने वाली है, तो दूसरी शीशी और मंगाऊंगा, उसको भी यूज करके देखूंगा। फिर उसके बाद जैसा भी रिजल्ट होगा आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो काफी लंबी हो गई, चलो आज इसके लिए इसको इतना ही एंड करता हूँ, बाद में और कुछ बताऊंगा। तो यार चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ठीक है यार, आपके लिए इतना ही। ओके।